नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं कल तक न्यूज। आज हम आपको ऐसे व्यक्ति से मिलाने जा रहे हैं जो अभी आने वाले हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति जहां जाते हैं हंगामा जरूर होता है, तो दिल थाम के बैठी है, हमारे नेताजी पधार रहे हैं। जो यहाँ आए सभी मेहमान भाइयों को मेरा नमस्कार, जो रिक्शे में आए डूस कर आए उनको भी मेरा नमस्कार, भाइयों को भी नमस्कार एवं बहनों को नमस्कार। मैं सीएम पद का उम्मीदवार हूँ, ये मेरा असाइनमेंट है। असाइनमेंट नहीं नेताजी, असिस्टेंट कहिए, असिस्टेंट। नेता मैं हूँ या तुम? सॉरी नेताजी, आप हो। और ये मेरे सिक्योरिटी गार्डन है। गार्डन तो हर जगह होते हैं नेताजी, ये तो सिक्योरिटी गार्ड है, सिक्योरिटी गार्ड। नेता मैं हूँ या तुम? सॉरी, अब सॉरी सर। सर आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में, आइए स्थान ग्रहण कीजिए। अरे भाई, ये कह रहे स्थान ग्रहण करे, और चार पहिया किधर है? नेताजी ये स्टूडियो है, यहाँ पर चार पाई नहीं होती, चेयर लगी है। चार पहिया क्या है? छोटी चार पाई नेताजी, छोटी चार पाई। ओ कहाँ है ये? रही ये, इस पे तो हमारा बम भी न समावे। आइए आइए नेताजी, बैठिए बैठिए। कुछ नहीं हुआ नेताजी, चेयर फिसल गई थी। तो आया नेताजी, हम आपका इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट करने जा रहे? गाड़ी है जो स्टार्ट करने जा रहे तुम? साक्षात्कार नेताजी, साक्षात्कार। ओ साक्षात्कार। तो बताइए नेताजी, आपका जन्म कहाँ पर हुआ था? मेरा जन्म इंडिया में हुआ था। अरे सर, मेरे कहने का मतलब है कि इंडिया के कौन से इलाके में हुआ था? अरे इलाका तो कुत्तों का होता है, हम तो इज्जतदार आदमी है, घर पे हुआ था हमारा जन्म। अरे सर, मेरा कहने का मतलब है कि इंडिया के कौन से इलाके के कौन से घर में आपका पैदा हुए थे? क्या बेवकूफ आदमी है। अरे चार दिन का बच्चे को क्या मालूम कहाँ पैदा हो रहा था। अच्छा नेताजी, थोड़ी जनरल नॉलेज की बातें कर लेते हैं। जनरल नॉलेज क्या है? सामान्य ज्ञान नानक, सामान्य ज्ञान नेताजी, सामान्य ज्ञान। ओ समान ज्ञान। अच्छा नेताजी ये बताइए, चांद पर पहला कदम किसने रखा था? चांद पे पहला कदम अमस्टन ने किया था। अमस्टन नहीं नेताजी, आर्मस्ट्रांग ने रखा था। नेता मैं हूँ या तुम? सॉरी नेताजी, आप। अरे नेताजी छोड़िए, अब दूसरा सवाल, चांद पर दूसरा कदम किसने रखा था? क्या बेवकूफ आदमी है, वो क्या एक टांग से लंगड़ी खेलने गया था, दूसरा कदम भी उसी ने रखा था। अच्छा ठीक है नेताजी, अब थोड़ी राजनीति की बातें भी कर लेते हैं। बताइए आपकी गवर्नमेंट कैसी चल रही है? ये गवर्नमेंट क्या है? सरकार नेताजी, सरकार। ओ हमारी सरकार, हमारी सरकार तो राम भरोसे चल रही है। राम भरोसे मतलब भगवान भरोसे? नहीं नहीं, जय राम के भरोसे चल रही है। वो कैसे? अरे सारा काम ये कर लेता है, अंगूठा हम लगाते। अच्छा, अंदर का काम है सब चला आता है। ठीक है नेताजी, अब ये बताइए आपका डेमोक्रेसी के बारे में क्या ख्याल है? डेमोक्रेसी क्या है? लोकतंत्र नेताजी, लोकतंत्र। ओ प्रजातंत्र।
लीजिए सुनिए, प्रजा के द्वारा प्रजा की ऐसी की तैसी, इसीलिए मैं कहता हूँ डेमोक्रेसी। अच्छा नेताजी ये बताए आपने जनता के लिए क्या क्या किया है? क्या किया? घटाला नेताजी ये मत बताइए, कुछ भी बताइए, कुछ भी कह दीजिए। अरे हमने 3-4 कम्बल उड़वाए थे जनता को। नहीं नहीं, गाय भैंसों को, जानवरों को। मतलब कि आपने मतदान जनता से लिया और कंबल बटवा दिए जानवरों को? अरे जने भाई, जानवरों को नहीं उड़ाता तो ठंडी में मर जाते, और दूध भी तो उन्हीं का ही पीते हैं ना। अच्छा तो नेताजी ये बताए, आपके गांव में पिछले महीने में आग लगी थी, उसमें आपकी क्या संभागीता थी? अरे ऐसी बात नहीं, अरे हमारे गांव में आग लगी थी तो जितने घायल हुए उनको मैंने शमशान घाट पहुंचा दिए, और जितने मर गए उनको मैंने अस्पताल में दाखिल कर दिए। अच्छा? जिंदा करने की कोशिश जारी है, साइंटिस्ट लगवा दिए हमने। ऐसी बात है? हाँ ठीक है नेताजी। और जितने घायल हुए उनको मैंने 50 रुपए का मुआवजा दे दिया है, और जितने मर गए उनको मैंने 10 रुपए का मुआवजा दे दिया है, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता, धन्यवाद। अच्छा नेताजी ये बताइए आपकी चुनाव का चिन्ह क्या है? मेरा चुनाव का चिन्ह चिन्नी जूता है। चिन्नी जूता? हाँ। ये कैसी बात हो गई? नेताजी आप अपनी पार्टी का क्या संदेश इस जनता को देना चाहेंगे? संदेश? अरे मेरा मेरी पार्टी का संदेश ये, सब बहुमत से हमको विजय बनाए, सब हमको बहुमत से विजय बनाए, जो दारू से ना माने उसको कॉफी पिलाए। अच्छा नेताजी ये बताए, पिछले दिनों से काफी महंगाई बढ़ गई है, इसका क्या कारण है? क्या कारण है? कुछ नहीं नेताजी, क्या भी बता दीजिए, बात को बदल दीजिए। बड़ा बदतमीज आदमी है यार, आए डीजे बीजे लगवा देता, कब से दिमाग खा रहा है, सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल पूछे जा रहा है। नेताजी ये स्टूडियो है, कोई बार क्लब नहीं जहाँ डीजे लगवा सकते हैं हम। लीजिए आपका मोबाइल दीजिए। क्यों? अरे मेरी रामवती से बात करनी है। ये रामवती कौन है? अरे मेरी गर्लफ्रेंड है, या तेरी गर्लफ्रेंड हुई? अच्छा ये लीजिए। देख ले पीछे नहीं मिलेगा देखने को तुझे। हेलो रामवती, देख ले यहाँ पे जीटीवी यूटीवी के सभी कैमरे लगे हुए हैं, देख ले कौन से चैनल पे मैं अच्छा दिख रहा हूँ। अबे बदतमीज गधे, किससे बात कर रहे, नंबर दे, देख के डेल कर। अरे भाई ये तेरा ना तेरा फोन है। अरे ये तो मेरी गर्लफ्रेंड का नंबर है, सॉरी डार्लिंग, ये तो कोई गधा था। लेकिन मतदान के प्रति आपको जागरूक करना था, आपका एक कीमती मत आपके देश, आपके राज्य और एवं आपके क्षेत्र की तकदीर बदल सकता है, तो कृपया ऐसे व्यक्ति का चयन करें जो शिक्षित और पढ़ा लिखा हो। सॉरी।